नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैंसी। मैं स्वागत करती हूं इस बेहद ही खास पेशकश में। हम यहां पर आज जिक्र कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी हॉट दीवा के बारे में जो अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती है। और जब से 24 दिसंबर 2023 के दिन जहाँ पर उनके एक्स हस्बैंड ने शादी कर ली, तो उसके बाद तो वो चर्चा का कारण बन गई। यकीनन ही आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं मलाइका अरोड़ा का। मलाइका अरोड़ा इतनी उम्र हो जाने के बाद भी जिस तरह से अपनी हॉटनेस को बरकरार रख रही हैं, जिस तरह से उनकी फिटनेस देखी जाती है, वो यकीनन ही काबिलियत तारीफ है। अब ऐसे में मानो बहुत सारे जो है कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी है। हालांकि पति अरबाज ने जहाँ पर दूसरी शादी कर ली, शुरा खान संग उन्होंने शादी कर ली है, निकाह पढ़ लिया है और जो है अब खान परिवार की बहू शुरा बन चुकी हैं, तो वहीं इसी बीच जो है अब मलाइका और अर्जुन को लेकर भी चीज़ें ख़राब दिख रही हैं। काफ़ी चीज़ें कही जा रही हैं कि अर्जुन और मलाइका जो है कहीं ना कहीं जो है इनका ब्रेकअप हो चला है। अब ऐसे में नेशनल प्लेटफॉर्म पर एक शख्स ने मलाइका को आई लव यू कह दिया, जिसके बाद मानो सोशल मीडिया पर जो है एक अलग ही बूम देखने को मिल रहा है। हालांकि वो शख्स पहले से ही मैरिड है, मगर एक शो के दौरान झलक दिखला जा शो के दौरान ये मोमेंट रहा जहां पर उन्होंने मलाइका को आई लव यू तक कह दिया। अब ऐसे में क्या है पूरी रिपोर्ट, हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है आप ये भी देखेंगे कि भाई सोशल मीडिया पर जो है फैंस, जो ट्रोलर्स हैं, वो लगातार अर्जुन और मलाइका के बीच के डिफरेंसेस को लेकर बातें कर रहे हैं। भाई ये कहना गलत नहीं होगा कि न्यू ईयर जहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, नया साल आ चुका है और कहीं ना कहीं हर एक शख्स ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से नए साल का जश्न भी मनाया और नए साल को वेलकम किया। तो यहाँ पे मलाइका को भी देखा गया, बेहद ही ग्लैमरस अंदाज में मलाइका दिखाई पड़ी। तो वहीं यहाँ पर चीज़ें ये रहीं कि यहाँ अर्जुन कपूर मिसिंग रहे, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें उठ रही हैं। तो वहीं इसी बीच मलाइका ने अपने ही बेटे अरहान को एक सपोर्ट सिस्टम भी कहा। हालांकि बहुत सारी चीज़ों को ज्वाइन किया जाए तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि मलाइका और अर्जुन के रिश्ते अब बिगड़ से गए हैं। तो चलिए बिना देरी करे अब दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट, जहां पर आखिरकार कौन था वो शख्स जिसने बिन शर्म करे भरे मंच पे नेशनल प्लेटफॉर्म पे मलाइका को आई लव यू कहा। देखिए हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती के चर्चे इस हसीना ने खूब बटोरे हैं। ये हसीना बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक हॉट चिक के नाम से जानी जाती है। मलाइका अरोड़ा का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। भाई मानो ऐसा लगता है कि अब तो मलाइका की जिंदगी में अर्जुन कपूर का पत्ता कट गया हो। भाई हाल ही में नेशनल प्लेटफॉर्म पे इस शख्स ने मलाइका को आई लव यू कह दिया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शोएब इब्राहिम की। जी हाँ भाई, शोएब इब्राहिम ने तो मानो मलाइका और अर्जुन के रिश्ते पर ही फुल स्टॉप लगा दिया हो। दरअसल आप सभी को बता दें कि टेलीविजन एक्टर शोएब इब्राहिम इन दिनों झलक दिखला जा 11 में अपने डांस का जलवा दिखा रहे हैं। दिन ब दिन उनके परफॉर्मेंस में एक नया सुधार देखने को भी मिल रहा है और जजेस उनकी परफॉर्मेंस की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। शोएब जिस तरह से अपने डांस में सुधार ला रहे हैं, वो चीज़ जजेस को खूब पसंद आ रही है। वो अब शो का नया प्रोमो ये लीजिए सामने आया, जिसमें मलाइका अरोड़ा शोएब के डांस से काफ़ी इम्प्रेस भी दिखाई दी। फराह खान मलाइका से कहती हैं, स्लैब्स जज से हमेशा रिएक्ट करते हैं, प्लीज़ आप मेरे साथ परफॉर्मेंस कीजिए, आप किसके तरह दिल से काटे नहीं काटे दिन रात पर डांस करना चाहेंगी, यानी कि काटे नहीं कटते दिन ये रात गाने पे आप किसके साथ डांस करेंगी। तो मलाइका कहती है शोएब की परफॉर्मेंस के बाद शोएब के साथ। मलाइका का जवाब सुन के शोएब की खुशी का ठिकाना नहीं था। तो वहीं वो स्टेज पर आते हैं, इसके बाद फरहा उनके साथ डांस करती है।
फरहा और श्वेब का डांस परफॉर्मेंस देखकर मलाइका और श्वेब को अपनी ओर खींच लेती है। जी हाँ, इसके बाद श्वेब मलाइका को बाहों में लेकर काटे नहीं कटते दिन ये रात गाने पर डांस करती है। इसके बाद फरहा, मलाइका और अरशद तीनों जज मिलके श्वेब को गले लगा लेते हैं। यकीनन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भाई श्वेब इब्राहिम बेहतर डांस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे इस शो के दौरान भी दिखाई दे रहे हैं। झलक के मंच पर श्वेब के प्रति जजेस का प्यार देखकर उनके फैंस काफी खुश हुए। तो वहीं आपको भाई जानकारी दे दे कि भाई झलक दिखलाजा में श्वेब बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए उनकी पत्नी दीपिका कक्कड़ और बेटे रुहान भी पहुंचे थे। वहीं यहां पर दीपिका अपने पति को देखकर काफी इमोशनल हो गई। आपको बता दें कि भाई मलाइका के साथ श्वेब की बढ़ती नजदीकियां देखकर तो ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और हर एक शख्स अर्जुन कपूर से क्या मलाइका का ब्रेकअप हो गया ये बात भी कहता दिखाई दे रहा है। पर अर्जुन और मलाइका क्या एक दूसरे से अलग हुए हैं या नहीं, खैर ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। मगर मलाइका के एक्स पति अरबाज ने जब से शादी कर ली तब से मानो ऐसा लग रहा है कि मलाइका की शादी को लेकर अब फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। भाई फैंस भी अब जानना चाहते हैं कि आखिरकार कब मलाइका भी अर्जुन संग शादी करेंगी। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाई आखिरकार वो कौन सा साल और कौन सी तारीख होगी जब अर्जुन और मलाइका की शादी हो। मगर उससे पहले तमाम र्यूमर्स आ रहे हैं कि भाई मलाइका ने श्वेब के साथ डांस करके अर्जुन कपूर के दिल को तोड़ दिया। आपको बता दें कि क्रिसमस पार्टी के दौरान भी अर्जुन की तस्वीर मलाइका ने साझा नहीं की थी और न्यू ईयर ईव पर भी देखा गया मलाइका अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई थी। सेलिब्रेशन में यहाँ पर बाकी सारी गर्ल गैंग दिखी मगर यहाँ अर्जुन को नहीं देखा गया, जिसके बाद से मानो सवालों का सिलसिला जारी है कि आखिरकार कहाँ हैं अर्जुन कपूर। क्या सच में अर्जुन और मलाइका के रिश्ते में दरार आ चुकी है? खैर आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा। मगर इनके खूबसूरत रिश्ते को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि मलाइका और अर्जुन इस साल शादी के बंधन में बंधेंगे? क्या है आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखा आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में जहां पर हम जिक्र कर रहे थे उस शख्स का, आखिरकार आपको पता लग गया कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि टीवी टाउन के सबसे फेमस एक चेहरा है वो, शोएब मलिक है वो, और माफ कीजिएगा शोएब इब्राहिम है वो। और यूट्यूब में भी जो है अपना काफ़ी अच्छा उनका चैनल चलता है। दीपिका कक्कड़ के पति हैं शोएब इब्राहिम, मगर यहाँ पर परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने जो है जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ मलाइका के साथ भी उन्होंने डांस किया और मलाइका को भरे मन से उन्होंने आई लव यू भी कहा। यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा कि अब इंडस्ट्री में मलाइका का जो एक टैग था आइटम गर्ल का वो हटता जा रहा है। एक जज के तौर पर भी, डांसिंग के तौर पे भी उन्हें देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या मलाइका भी इस साल शादी कर लेगी। क्योंकि एक इंटरव्यू के जरिए मलाइका ने साफ तौर पर चीज़ों को कहा था कि हो सकता है कोई मिले मुझे पूछे तो मैं शादी कर लूँ। ये देखने वाली बात रहेगी कि या इस साल भी मलाइका शादी करती हैं अर्जुन संग या फिर महज ये रिश्ता जो चला आ रहा है वो यूँ ही चलता रहेगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।